हाय, दिस इज केतन फ्रॉम IDC। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी आईफोन सीजन चल रहा है, और वैसे में अगर आपने ब्रांड न्यू आईफोन 16 सीरीज़ या फिर आईफोन 15 सीरीज़ लिया है या फिर कोई सा भी अदर आईफोन लिया है, तो वैसे में आपको अपने आईफोन के साथ एक चार्जिंग एडेप्टर डेफिनेटली बाय करना पड़ेगा। बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं, आईफोन अपने बॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा पतले करते जा रहा है, और अभी बॉक्स में आपको एडेप्टर देखने को नहीं मिलता। तो वैसे में आज हमारे पास है कुछ चार्जर्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट के साथ आते हैं। तो आज हम इन चार्जर्स को इन आईफोन्स पे टेस्ट करने वाले हैं, इनका आउटपुट चेक करने वाले हैं, और एट द एंड आपको बताएंगे कि आपको अपने ब्रांड न्यू आईफोन के लिए कौन सा चार्जर बाय करना चाहिए। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमारे पास टेस्टिंग के लिए कुछ आईफोन्स हैं, जिनमें है ये ब्रांड न्यू आईफोन 16, देन हमारे पास है ब्रांड न्यू आईफोन 16 प्रो मैक्स एज वेल एज आईफोन 15 प्रो मैक्स। लेकिन अगर आपने आईफोन 15 बाय किया है या फिर कोई पुराना आईफोन बाय किया है जैसे आईफोन 13 या फिर आईफोन 14, तो उसका आउटपुट सिमिलर टू आईफोन 15 प्रो मैक्स रहने वाला है। तो आप उस हिसाब से अपने आईफोन का चार्जिंग आउटपुट कंसीडर कर सकते हो। और साथ ही चार्जिंग टेस्ट के लिए आज हमारे पास है ये डिस्प्ले वाला केबल जो कि आपके चार्जिंग का आउटपुट शो करेगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। तो सबसे पहला एडेप्टर आज हमारे पास है वो एप्पल का ओरिजिनल 20 वॉट का एडेप्टर, जो कि जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप एक ब्रांड न्यू आईफोन बाय करते हो। चलिए इसका आउटपुट चेक करते हैं, अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स में कितना मिल रहा है और ब्रांड न्यू आईफोन 16 में कितना मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स पे इसका चार्जिंग टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना आउटपुट निकाल के देता है। तो ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। एज यू कैन सी, रीडिंग भी स्टार्ट हो गया है। ये अभी 18 वॉट तक दिखा रहा है। अभी चेक करते हैं अपने आईफोन 16 में ये कितना आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, इसमें भी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, 12 PD तक दिखा रहा है, 14, 15। अभी चेक कर लेते हैं अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स पे कितना चार्जिंग आउटपुट दे रहा है, इसमें भी 19 वॉट तक तो जा रहा है। इन शॉर्ट, एप्पल का 20 वॉट का एडेप्टर आपको मैक्सिमम 20 वॉट का आउटपुट ही देने वाला है। अभी नेक्स्ट आज हमारे पास है ये यूनिजेन का 20 वॉट का एडेप्टर, जो कि एप्पल के ओरिजिनल एडेप्टर जैसा ही दिखता है, लेकिन एप्पल वाले से बहुत कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाता है। अब आइए चेक कर लेते हैं यूनिजेन के इस 20 वॉट के एडेप्टर को और देखते हैं कि ये अपने आईफोन को कितने वॉट से चार्ज करता है। तो सबसे पहले इसका आउटपुट चेक करते हैं अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स में और देखते हैं कितने वॉट से ये चार्ज करता है। तो अभी इसका रीडिंग स्टार्ट हो गया है, एंड एज यू कैन सी ये 18 तक जा रहा है, 17 दिखा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं 19, 20। मैक्सिमम 20 वॉट के आउटपुट से आपका ये यूनिजेन का एडेप्टर आपके आईफोन को चार्ज करने वाला है। नाउ क्विकली चेक कर लेते हैं अपने आईफोन 16 को, चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है, 9 वॉट, 11, 13, 14। मैक्सिमम इस वाले आईफोन को भी 20 वॉट की कैपेसिटी से ही चार्ज करने वाला है। जल्दी से चेक कर लेते हैं अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स को, तो इसमें स्ट्रेट 19, 18 ये फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन मैक्सिमम 20 वॉट के एडेप्टर से ही आपके आईफोन को चार्ज करने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है ये एंकर का 20 वॉट का एडेप्टर, और ये भी PD चार्जिंग के साथ आता है। और आइए अभी चेक करते हैं इसके साथ अपने आईफोन का आउटपुट एज वेल। सबसे पहले चेक करेंगे अपना आईफोन 15 प्रो मैक्स, चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, 18 वॉट दिखा रहा है, 19 दिखा रहा है। सो ये भी आपके आईफोन को 20 वॉट के चार्जिंग आउटपुट से चार्ज करने वाला है। क्विकली चेक कर लेते हैं अपने 16 पे, चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है, 8, 9, 8, 9। अगर आपने नोटिस किया होगा तो दूसरे दोनों आईफोन के कंपेयर में मेरा आईफोन 16 स्टार्टिंग में कम वॉट से चार्ज होता है, बाद में इसकी रीडिंग अप होती है। इसका एक ये भी रीज़न है कि ये अभी 58% पे है, तो जब भी आपका आईफोन एम्प्टी होगा तभी वो मैक्सिमम चार्जिंग आउटपुट से चार्ज होगा। अभी ये 17 तक जा चुका है। क्विकली चेक कर लेते हैं अभी अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स में कितना आउटपुट मिल रहा है, चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, और अभी ये स्ट्रेट 18 वॉट तक जा चुका है, और अभी ये 19 दिखा रहा है। और इसका एक ये भी रीज़न है, मेरा आईफोन 16 प्रो मैक्स अभी 30% पे है, तो ये क्विकली मेरा आईफोन 16 प्रो मैक्स को चार्ज करने का ट्राई कर रहा है। इन शॉर्ट, एंकर का ये 20 वॉट का PD एडेप्टर आपके आईफोन को 20 वॉट के मैक्सिमम आउटपुट से चार्ज करेगा। दोस्तों, अभी नेक्स्ट हमारे पास है सैमसंग का 25 वॉट का एडेप्टर, और अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे सुपर फास्ट चार्जिंग लिखा ही हुआ है, और सैमसंग का ये एडेप्टर 25 वॉट के मैक्सिमम चार्जिंग आउटपुट के साथ आता है। आइए देखते हैं कि सैमसंग का ये एडेप्टर अपने आईफोन्स को कितने वॉट से चार्ज कर सकता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपना आईफोन 15 प्रो मैक्स, चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है, 17, 16, 19 तक जा चुका है, 20 पे जा चुका है, देखते हैं ये और अप होता है या फिर नहीं, और अभी ये इससे आगे नहीं जा रहा है।
ये अभी 20 वॉट से आगे अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स को चार्ज नहीं कर रहा है। और अभी क्विकली चेक कर लेते हैं अपने आईफोन 16 को, चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है, अभी देखते हैं आगे जाता है या फिर नहीं। 14 तक जा चुका है, 15 तक जा चुका है, 16, 15 पे ये फ्लक्चुएट हो रहा है। इन शॉर्ट मेरे आईफोन 16 में भी ये 20 वॉट से आगे नहीं जा रहा है। और स्लो चार्ज होने का एक मेन रीजन है कि मेरा आईफोन अभी 59% पे है। अभी क्विकली चेक कर लेते हैं अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स को, जिसकी बैटरी परसेंटेज अभी 30% है, देखते हैं इसको कितना फास्ट चार्ज करता है। चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है, क्विकली रीडिंग देख लेते हैं, तो ये स्ट्रेट अवे 24 वॉट तक जा चुका है। जैसा कि हमें पता है सैमसंग का ये अडेप्टर 25 वॉट के आउटपुट के साथ आता है, और मेरा आईफोन 16 प्रो मैक्स अभी लो बैटरी परसेंटेज पे है, तो ये 25 वॉट से इसको चार्ज कर रहा है। तो अगर आपके पास सैमसंग का अडेप्टर है तो आप उसकी हेल्प से अपने आईफोन को हल्का सा फास्ट चार्ज कर सकते हो कम्पेयर टू एप्पल्स 20 वॉट अडेप्टर। दोस्तों अभी नेक्स्ट हमारे पास है एप्पल का ये 30 वॉट का अडेप्टर, जो कि मेरे मैकबुक के साथ आया था, और यहाँ पर मेंशन भी है 30 वॉट का USB-C पावर अडेप्टर। और अभी ये चेक करते हैं कि एप्पल के इस 30 वॉट के अडेप्टर से अपने आईफोन कितने फास्ट चार्ज हो सकते हैं। तो एज यूजुअल अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स से स्टार्ट करते हैं, और ये फ्लक्चुएट हो रहा है, देखते हैं 20 से अब जा पाता है या फिर नहीं, बिकॉज अभी तक अपना आईफोन 15 प्रो मैक्स 20 से अप नहीं गया, और ये देखिए 21 दिखा रहा है, 20 या फिर 21 तक फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी चेक कर लेते हैं अपने आईफोन 16 को, जो कि अभी 59% पे है, और देखते हैं इसका चार्जिंग आउटपुट क्या निकल के आता है। तो ये स्लो ही चार्ज होगा, बिकॉज अभी ये 59% पे है, ऑलमोस्ट 60% पे इसकी बैटरी है। 14 तक जा रहा है, 15 तक जा रहा है। अगर आपके आईफोन में इनफ जूस है तो ये अडेप्टर आपके आईफोन को इतना फास्ट चार्ज नहीं करते। देख लेते हैं अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स को, मैं आपको रीडिंग दिखा देता हूँ। ये स्ट्रेट अवे 28 वॉट तक जा चुका है, और जैसा कि हमें पता है इस साल के आईफोन 16 मैक्सिमम 30 वॉट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है, देखते हैं ये 30 तक जाता है या फिर नहीं। 28 तक तो ये जा चुका है, अभी इससे आगे जा रहा है या फिर नहीं। तो ये 27 से 28 वॉट तक अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स को चार्ज कर रहा है। और जैसा कि आपको पता है एप्पल ने 25 वॉट सपोर्ट के साथ नया मैक्सेफ चार्जर भी इंट्रोड्यूस किया है, तो वो चार्जर आप लेते हो तो फिर आपको ये 30 वॉट का अडेप्टर ही उसके साथ लगेगा। और दोस्तों आज के वीडियो का हमारा फाइनल अडेप्टर है बेल्किन का ये 2-in-1 गेम चार्जर, जो कि 65 वॉट के मैक्सिमम चार्जिंग आउटपुट के साथ आता है। और ये एक 2-in-1 गेम चार्जर है, तो आप इसके साथ दो डिवाइसेस साइमल्टेनियसली चार्ज कर पाएंगे। और अभी आइए चेक करते हैं कि बेल्किन का ये गेम चार्जर अपने आईफोन को कितने मैक्सिमम आउटपुट के साथ चार्ज करता है और फास्ट चार्ज कर पाता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स को, मैं आपको रीडिंग दिखा देता हूँ। तो ये 15 वॉट तक जा रहा है, 16 तक जा रहा है, 17 तक जा रहा है, 19, 20 तक भी जा चुका है। तो somehow मेरा iPhone 15 Pro Max 20 से 20 वॉट के मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी से ही चार्ज हो रहा है, और इसका शायद ये रीज़न होगा कि ये अभी 53% पे ऑलरेडी चार्ज है। अभी आइए चेक कर लेते हैं iPhone 16 में ये कितना आउटपुट दे रहा है। तो ये कनेक्ट हो चुका है, चार्जिंग भी स्टार्ट हो चुका है, ये आपको रीडिंग भी दिखा देता हूँ। तो थ्रू आउट द टेस्ट हमारा ये आईफोन 16 बाकी आईफोन के कंपेयर में स्लो चार्ज हो रहा है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट 60% पे अभी चार्ज है। देखते हैं कि ये गेम चार्जर अपने आईफोन को कितने मैक्सिमम आउटपुट के साथ चार्ज कर पाता है। और ये आई डोंट थिंक कि ये 20 तक भी जाएगा, बिकॉज एप्पल ने हमारे ये आईफोन इस तरह से डिजाइन किए हैं कि अगर ये एम्प्टी हो गए या फिर लो बैटरी पे हो गए तभी ही फास्ट चार्ज होंगे, अदरवाइज फिर ये स्लो ही चार्ज होंगे, फिर वो लेटेस्ट आईफोन 16 ही क्यों ना हो। आइए चेक कर लेते हैं अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स को, और इसमें ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 65 वॉट का गेम चार्जर अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स को कितने वॉट से चार्ज कर पाता है। ये हो गया है कनेक्ट, दिखा देता हूँ मैं आपको इसकी रीडिंग। तो 27 वॉट तक तो ये जा चुका है, 28 तक भी जा चुका है, 27 दिखा रहा है, 28, 29 तक जा चुका है। तो जितना मैंने अब तक टेस्ट किया है अपना iPhone 16 Pro Max मैक्सिमम 30 से 31 की मैक्स कैपेसिटी से ही चार्ज होता है, उससे आगे नहीं जाता है। दैट मीन्स अगर आपको अपने इन iPhones को फास्ट चार्ज करना है तो उस केस में फिर आप ये बेल्किन का 2-in-1 गेम चार्जर बाय कर सकते हो। और इसका एक एडवांटेज भी है, ये चार्जर बाकी के अडेप्टर के कंपेयर में बहुत कम गर्म होता है। सो नाउ अभी आपको इन सारे चार्जिंग अडेप्टर में से अपने आईफोन के लिए कौन सा वाला बाय करना चाहिए। तो अगर आप पहले से एंड्रॉयड यूजर हो और आपके पास ऐसा सैमसंग का ओरिजिनल 25 वॉट का अडेप्टर है, तो फिर आप से अपने आईफोन को विदाउट एनी वरी चार्ज कर सकते हो, ये आपके आईफोन को हल्का सा फास्ट चार्ज ही करेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अडेप्टर नहीं है तो फिर आप एप्पल का ये 20 वॉट का अडेप्टर ले सकते हो, लेकिन अगर आपका बजट लो है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूनिजन का ये 20 वॉट का अडेप्टर, जो कि एप्पल वाले से हल्का सा लाइट वेट है और सेम 20 वॉट के आउटपुट से अपने आईफोन को चार्ज करता है। और अगर आप चाहे तो आप इस एंकर के 20 वॉट के अडेप्टर के साथ भी जा सकते हो।
ये भी पीडी चार्जिंग के साथ आता है और आपके आईफोन को 20 वॉट के आउटपुट से चार्ज करेगा। अगर आपके पास लेटेस्ट आईफोन 16 सीरीज है और अभी आप एप्पल का लेटेस्ट मैक्सेफ वायरलेस चार्जिंग पक लेने का प्लान कर रहे हो तो फिर उस केस में आपको एप्पल के इस 30 वॉट के अडेप्टर के साथ जाना चाहिए, बिकॉज इसके साथ ही आपको नए वाले मैक्सेफ चार्जर में 25 वॉट की मैक्सिमम कैपेसिटी देखने को मिलेगी। और फाइनली इतना महंगा आईफोन लेने के बाद अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो फिर मैं आपको ये बेल्किन का 65 वॉट का गैन चार्जर रिकमेंड करूंगा, बिकॉज ये 65 वॉट की मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ आता है और इसके साथ ना सिर्फ आप अपने आईफोन बट आपका मैकबुक भी चार्ज कर सकते हो और ये बाकी के सारे चार्जर के कंपेयर में हीट भी बहुत कम होता है। एंड दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। वीडियो अगर आपका हेल्पफुल लगा देन प्लीज वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने अभी अभी नया आईफोन लिया है। आईफोन के ऐसे मोर यूजफुल एक्सरसाइज के वीडियोस के लिए अभी हमारे चैनल आई डिवाइसेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।